वात करशुं। भावनगर में पण बिपोर्जोय वावझड़ानी असर ने पगले दरिया किनारा विस्तारों में भारे पवन फूंकायो हतो। वहेली सवारथी ज भारे पवन शुरू थयो हतो। दरिया किनाराना घोघा, कोडियाक, हाथब तेमज अलगशीप, ब्रेकिंग यार्ड, सोसिया, त्रापज सहित विस्तारों में पण भारे पवन फूंकायो हतो, जेने कारणे वीजपोल पण धराशायी थया हता। तो एक तरफ दृश्यो पण सामे आव्या छे के अनेक जग्याओ पर वृक्षो पण धराशायी थया हता, तो मोटा पाये नुकसान थयुं होय तेवा दृश्यो पण सामे आव्या छे। बिपोर्जोय वावाझोड़ाए कच्छने धमरोड्यू छे, तो कच्छ अने द्वारकामां स्थिति हजु पण बदली शकाय नथी। त्यारे वावाझोड़ाने पगले नलियामां स्थिति अत्यंत गंभीर छे। भारे पवन अने वरसादने कारणे आजे पण अहीं जनजीवन ठप छे। आजे बीजा दिवसे पण भारे पवन साथे वरसाद वरस्यो छे। अनेक वृक्षो जमीनदोस्त थया छे, जेथी लोकोए घरमां ज सलामत रहेवानुं मान्युं हतुं। चक्रवात बिपोर्जोय कच्छमां भारे ताराजी सर्जी छे। गईकालथी आज सुधी कच्छमां भारे पवन साथे वरसाद वरसी रह्यो छे, जेने कारणे मोटा पाये वृक्षो जड़मूळमांथी उखड़ी गया छे, जेने कारणे अनेक रस्ताओ पर संपर्क विहोणा थया छे। हाल तंत्र द्वारा रस्ता पर पड़ेला वृक्षोने हटावानी कामगीरी पण हाथ धरवामां आवी रही छे। तो कच्छनी वात करवामां आवे, कच्छ भूजनी अंदर वृक्षो धराशायी थया छे। बिपोर्जोय वावाझोड़ाने कारणे तंत्र पण हवे कामे लाग्युं छे। वृक्षो धराशायी थवानी कारणे ज लोकोमां डरनो माहोल पैदा थयो हतो। एक तरफ वीजपोलने पण नुकसान पहोंच्युं छे, तो बीजी तरफ वृक्षो अनेको धराशायी थई गया छे, जेना कारणे हाल तंत्र द्वारा कामगीरी करवामां आवी रही छे। बिपोर्जोय वावाझोड़ाने लईने कच्छमां रहेला राज्य सरकारना आरोग्य प्रधान ऋषिकेश पटेले समीक्षा बैठक करी हती। एनडीआरएफ अने अन्य सुरक्षा दलना अधिकारीओ साथे ऋषिकेश पटेले बैठक करी हती। स्थिति अंगे चितार आपता कह्युं छे कि अत्यार सुधी कोई मानव मृत्यु आंक नोंधायो नथी। सुबह तक जब तक 8 बजे तक जो रिपोर्टिंग हुआ है, वहां पर किसी भी प्रकार की मानव मृत्यु का समाचार नहीं है। किसी का पशु का भी मरने का यहां तक कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। वैसे पेड़ गिरने का, बीच पोल धराशायी होने का, सब वो मैसेज मिला है, लेकिन जो सरकार ने तैयारी की थी कि कोई पशु की भी मृत्यु ना हो, कोई मानव की भी मृत्यु ना हो, इसमें मैं मानता हूं कि करीबन कच्छ जिले में आज अभी तक एक भी ऐसा इंसिडेंस नोट नहीं हुआ है। સુરતમાં વાવાઝોડાની અસરને લઈને મેડિકલ ટીમ તૈયાર જોવા મળી હતી, તો સરકારના આદેશને લઈને સુરતની નવી સિવિલ મેડિકલ ટીમ નિયત સ્થળે જવા રવાના થશે। નર્સિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ ઇકબાલ કડીવાળાની આગેવાનીમાં ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે।